कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यानी ना सिर्फ दलितों के खिलाफ है बल्कि ये ठाकरों की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। ठाकरों की सरकार और एक जाति के लिए काम करने वाली सरकार चल रही है। उनकी जो स्पेशल टास्क फोर्स है प्रदेश में स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में लखीमपुर खीरी में FIR दर्ज की गई। संजय सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ जातिगत टिप्पणी किए जाने के मामले में अरविंद गुप्ता नाम के एक युवक ने लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल आप नेता ने योगी सरकार पर जातिवाद के मुद्दे को लेकर निशाना साधा था। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप नेता ने STF को स्पेशल ठाकुर फोर्स करार देते हुए कहा था, लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मैंने योगी सरकार से सवाल पूछा था, मैंने पूछा था कि जब राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल को बुलाया जा सकता है तो देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या वो दलित समाज के हैं इसलिए नहीं बुलाया गया? और इस घटना से पूरे दलित समाज के लोगों में देश भर में भारी रोष है, गुस्सा है, आक्रोश है। दलित समाज के लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और जब से मैंने ये बात बोली है मुझे तमाम समाज के लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे फोन किए और सबका यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यानी अब ये ना सिर्फ दलितों के खिलाफ है बल्कि ये ठाकरों की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। ठाकरों की सरकार और एक जाति के लिए काम करने वाली सरकार चल रही है। उनकी जो स्पेशल टास्क फोर्स है प्रदेश में स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया। लोग कहते हैं वो स्पेशल ठाकुर फोर्स है जो चुन चुन के लोगों को मार रही है, हत्याएं कर रही है। आज सभी समाज के लोगों में गुस्सा है। ब्राह्मण समाज के लोगों से बात कर लीजिए, उनके मन में नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है। 58 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण समाज से है। लेकिन ब्राह्मणों पे जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो चुन चुन के वो मारे जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं दिनेश शर्मा जी, आप इतने बेबस, इतने लाचार क्यों हैं? उनकी आवाज क्यों उठाते? ब्राह्मणों पे जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आज ब्राह्मणों को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकरों की सरकार चले। मौर्य समाज के लोगों की बात करें, मौर्य समाज के लोगों में गुस्सा है। केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। मैं पूछना चाहता हूं कितने DM, कितने SP, कितने थानेदार मौर्य समाज से लगे? अगर मौर्य समाज के लोगों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप प्रशासन में जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जी आपने इस सवाल को खड़ा क्यों नहीं किया? आप उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? आज केशव प्रसाद मौर्य जी बेबस है, लाचार है, खून के आंसू रो रहे हैं। पूरे मौर्य समाज के लोगों को लगता है आज यूपी में सिर्फ और सिर्फ ठाकरों की सरकार चल रही है। ऐसे में अब लखीमपुर खीरी में शिकायत दर्ज कराते हुए संजय सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने समाज को बांटने के उद्देश्य से बयानबाजी की, धार्मिक भावना और जातिगत भावना भड़काने का काम किया, जिसके तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज डेस्क।